तो वो कैसे कवर करेंगे हम, एंड दिस इज 38, तो वो 10 इंच में हमारे पास 6 से 7 इंच की साड़ी आती है. सो व्हाट वी डू इज शी प्रोपोर्शनल, ओके, बट अगर ये बहुत ज्यादा पतला होता और ये हैवी होता तो हमारे पास पिछला कपड़ा बचे नहीं होते. Am I right? Yes. आप सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसकी आप एक क्लीज बना के यहाँ पे डालोगे. डोंट पुल दैट फैब्रिक हियर. शुरू की साड़ी की जो स्लीव होती है, शुरू की जो साड़ी की जो स्लीव होती है ये वाली, ये आपकी इधर भाग रही होती है, भागती है. क्यों भागती है? बिकॉज आपने पूरा काना और यहाँ से जो स्ट्रेट फैब्रिक था उस स्ट्रेट को पहले आपने कर्व कर दिया और उस कर्व को उठा के आप प्लीज बना रहे हो, तो ऊपर से बन रही है आपकी 4 इंच और नीचे जाते जाते वो बच गई 2 इंच. विच आई एम गोइंग टू शो यू. सो अल्टीमेटली वो कैसे, देयर इज नो स्पेस फॉर द साड़ी ना. सो व्हेन यू कीप द साड़ी, द साड़ी इज टेकिंग द फैब्रिक फ्रॉम दिस साइड. बट सी माय, इज इट दिस साड़ी स्ट्रेट? इज माय साड़ी ड्रेप प्रॉपर्ली? Okay, so this, okay, so after you've done this, now we'll just move a little fast. Okay. So after doing this, you do tuck this, like a handful of fabric, jo main bolti hu, aap yahan pe tuck karoge, isko aap peeche se saamne laoge, and you start making pleats. So how do we make pleats? This is how I see my mama wearing, making pleats. ओके, अगर आपको आदत है और आप ऐसे प्लीज बना सकते हो प्लीज गो अहेड. बट पता नहीं मेरी तो ये सही नहीं लगती. आई मीन हर बार आई फील कि ये एक फैब्रिक यहाँ से बच जाता है, आई डोंट नो व्हाट, एंड देन आई डू दिस. सो दिस इज द साड़ी एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड यू गॉट इट. ओके, सो आफ्टर यू गॉट दिस व्हाट यू नीड टू डू इज take this and peg this up, okay? हम किसी और को भी ड्रेप कर रहे होते हैं या खुद भी ड्रेप कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, पिन लगा लेते हैं. यहाँ पे होल करने की जरूरत है. सो अननेसेसरी वी आर मेकिंग होल्स एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर साड़ी. आफ्टर डूइंग दिस आई एम जस्ट गोइंग टू मेक प्लीज आई वांट टू रेस्ट इट ऑन माय शोल्डर्स. See how I make my pleats? It's this, you know, see, just like this. Is it okay? Okay, see this, I hold this and I start making pleats like this. See, so okay. ओके, अब कितना लंबा पीछे रखना चाहिए? हाउ लॉन्ग शुड बी क्लीन? सो यू ऑल हैव सीन माय वीडियो एंड नाउ इट इज गुड. सो द लॉन्गर यू कीप द टॉलर यू लुक. सो ये देखो, ये आपने ये इसका ये लेंथ देखा, ठीक है? बहुत बार हम लोग को ऐसा लगता है हमारी बॉर्डर सफिशिएंट नहीं है और हम इसको छोटा कर लेते हैं. अब इसको फ्रेम देख रहे हो आप, इमीडिएटली क्या होता है, व्हेन यू हैव योर पल्ला हियर दिस पोर्शन बिकम्स ज्यादा, ठीक है? सो ट्राई एंड कीप इट एज लॉन्गर एज यू कैन, इट्स दिस, ठीक है? आफ्टर यू हैव डन दिस जस्ट टेक दिस एंड आई एम जस्ट कीपिंग द पेग्स हियर. Covering her bust, bring this here. Okay, now. Now here. So you will always put this pin with all the 3 fabrics. पहला पेटीकोट, दूसरा जो ऊपर का साड़ी है और तीसरा एक और लेयर साड़ी है आपका.
उसके बाद आप इसकी प्लीट्स बनाना स्टार्ट करोगे. सो फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट मेकिंग आवर प्लीट्स? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से, ठीक है. एंड देन व्हेन यू कम हियर आपकी प्लीट्स बैठती नहीं है और आप फर्स्ट प्लीट को एडजस्ट कर रहे होते हैं. सो द राइट वे इज टू मेजर योर प्लीट्स हियर. दिस इज योर प्रिंसेस लाइन, ठीक है. आप साड़ी को यहां तक लाओगे और यहां से आप इस फैब्रिक को पकड़ो, ठीक है. यू हैव टू होल्ड द साड़ी. सो दिस इज योर प्रिंसेस लाइन, यू होल्डिंग द साड़ी फ्रॉम हियर एंड नाउ यू स्टार्ट मेकिंग योर प्लीट्स. It is a cotton sari. It's a, not cotton, basically it's a beautiful weave sari. I mean, it's a very new fabric for me also. It's a lovely fabric. See? I've done nothing. Kisne ka